अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक लेजर टाइप जो टेम्पलेट है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं कि मैं किस तरह से इसे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आग लिख देता हूँ LEDGER लेजर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये चीज़, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आके लिखता हूँ डेट, डिस्क्रिप्शन टाइप, डेट डिस्क्रिप्शन टाइप, अमाउंट, बैलेंस, लाइब्रेरी, इंक्रीज लाइब्रेरी पे, बैलेंस एसेट, ठीक है। उसके बाद मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो मेरे कॉलम्स हैं उनकी उनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। बड़ा करने के बाद ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद मैं इन सब को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी करके इनको मैं बोल्ड कर दूँगा। इसको भी कंट्रोल बी कर देता हूँ, इसको भी कंट्रोल बी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टाइप के अंदर मैंने क्या लिखना है। डेट के अंदर तो सिंपल डेट लिखनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है कि रेफरेंस लिख लेना है। मिसाल के तौर पे टाइप के अंदर मैं लिखूँगा जो है इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी एंड एसेट। यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंस करता हूँ तो मिसाल के तौर पे एक्सपेंस मैंने कहा रेंट पेड टू ऑनर, ठीक है, जो बिल्डिंग का ऑनर है उसको हमने रेंट पे किया। यहाँ पे मैं टाइप में कर देता हूँ ये मेरा एक्सपेंस है। तो इसके लिए मैं ना एक शीट लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल साइड पर। लिस्ट में क्या क्या मैं लिखूँ, क्या क्या मैं लिखूँगा, उसमें मैं लिखूँगा एक्सपेंस, इनकम, लाइब्रेरी एंड एक्सपेंस इनकम लाइब्रेरी एसेट, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे टाइप पे। टाइप पे आने के बाद मैं यहाँ से 200 तक कर लेता हूँ सिलेक्शन। डेटा पे जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से जाऊँगा लिस्ट पे, जो मेरी लिस्ट है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी टाइप भी जो है वो भी साथ आ जाएगी। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, ठीक है, अमाउंट वाला जो एरिया है यहाँ पे भी अमाउंट होगी, यहाँ पे भी अमाउंट होगी। उसके बाद इसको मैं सिलेक्शन के बाद जाता हूँ यहाँ पे होम में, कॉमा को सेलेक्ट करता हूँ, दो दफ़ा इसे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी, बैलेंस और एसेट, इसको भी मैं यहाँ पे जाके करूँगा, कॉमा पे क्लिक करूँगा और दो दफ़ा यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन में आऊँगा, पूरे को सिलेक्शन करूँगा और मैं करूँगा इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जाऊँगा मैं नंबर में, यहाँ पे डेट की सिलेक्शन करके और ये चीज़ जो है इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर डेट की जो है वो डेट की सिलेक्शन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन को मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली जो फोल्डर है इसे छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा। यहाँ पे जो मेरा एरिया है इसकी मैं 200 तक सिलेक्शन करता हूँ, इसको मैं इसका जो है इसे 12 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सबसे पहले इसकी सिलेक्शन करता हूँ मैं। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल वन किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। बॉर्डर्स में जाऊँगा, बॉर्डर्स में जाने के बाद इसकी जो आउटलाइन है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। आउटलाइन को कर दिया मैंने ब्लैक और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद 200 तक सिलेक्शन करूँगा मैं, कंट्रोल वन करूँगा, इसी को सिलेक्शन करूँगा और आउटलाइन को कर दूंगा ब्लैक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके दरमियान में,
इसकी सिलेक्शन करता हूँ मैं 200 तक, कंट्रोल वन करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ कोई कलर सिलेक्शन, किसी कलर की सिलेक्शन करता हूँ मैं, यहाँ से कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अब सिलेक्शन करता हूँ, डॉटेड लाइन की सिलेक्शन कर रहा, इसको मैं कर देता हूँ इनसाइड, ठीक है। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये इनसाइड जो है ये इस तरह की सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर देता हूँ, ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये इसकी बेसिक सी मैंने जो है वो फॉर्मेटिंग कर दी है। यहाँ पे इसका भी थोड़ा साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ मैं, इसको मैं 18 तक कर देता हूँ, 20 तक कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी का जो ट्यूटोरियल था आज का, इसमें मैंने आप इसकी जो है लेजर की फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी है। तो जो मज़ीद इसमें फर्दर प्रोसीडिंग है वो इंशाल्लाह हम जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद जो है वो प्रोसेसिंग के लिए। तो ठीक है, फिर शुक्रिया।